नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं एक और नुस्खा लेके आया हूँ आपके लिए। और ये नुस्खा जो है आपके पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनके लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा काम करता है। और ये नुस्खा बनाना भी बहुत आसान है और इसमें जो इंग्रेडिएंट लगते हैं वो आपको आसानी से जो है घर पे मिल जाते हैं। तो अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कब्ज़ की समस्या हो या फिर जो है एसिडिटी हो या फिर गैस की प्रॉब्लम हो, और इसके अलावा इससे जो है और आपको प्रॉब्लम हो गई हो, जैसे पाइल्स हो गया हो या मलद्वार का कोई रोग हो गया हो, तो इसके लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा काम करेगा। आपकी जो पुरानी से पुरानी कब्ज़ होती हैं उसको जो है ख़त्म करेगा, साथ ही साथ आपके पाचन को ठीक करेगा। आप जो भी खाना खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपकी आंतें जो हैं उसको अच्छे से जो हैं एब्जॉर्ब कर पाएंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं बताऊंगा कि ये नुस्खा जो है मैंने कैसे तैयार किया है। देखिए दोस्तों, इस नुस्खे के अंदर मैंने तीन इन्ग्रीडियंट लिए हैं। सबसे पहला इन्ग्रीडियंट है दोस्तों ये अजवाइन, इसके अंदर मैंने अजवाइन ली है। एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, इसमें जितने भी इन्ग्रीडियंट हैं इनको सभी को बराबर मात्रा में लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आप अजवाइन थोड़ी अलग मात्रा में ले लें और बाकी के इन्ग्रीडियंट हैं जो अलग अलग मात्रा में लें, ऐसा नहीं है। ये नुस्खा बनाने के लिए आपको सभी जो हैं एकदम समान मात्रा में लेने होते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने ली है अजवाइन, उसके बाद दोस्तों मैंने लिया है इसमें ये काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने कूट लिया है, कूट के उसका जो है पाउडर बना दिया है। दोस्तों ये वाला काला नमक, सेंधा नमक भी आता है दोस्तों, सेंधा नमक आपको बिल्कुल नहीं लेना है, आपको लेना है सिर्फ काला नमक। काला नमक ही जो है सबसे बेस्ट रहता है। दोस्तों अगर बात करूं कि मैंने ये अजवाइन, काली मिर्च और ये आपके जो काला नमक, यही तीनों इंग्रेडिएंट क्यों लिए हैं, तो देखिए दोस्तों अजवाइन जो होती हैं वो आपके पाचन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। आपके पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, चाहे वो एसिडिटी हो, गैस हो या फिर आपके खाना जो है पच नहीं रहा हो, उससे जो है आपका मल कठोर हो रहा हो, तो उसके लिए अजवाइन जो है बहुत अच्छी मानी गई है। अजवाइन सबसे अच्छा काम करती हैं। उसके साथ साथ जो काली मिर्च होती हैं, काली मिर्च जो है आपके बॉडी के अंदर जो एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जिससे जो है आपका खाना पचता है, तो उसको जो है अच्छी तरीके से बनाने में ये जो काली मिर्च है बहुत अच्छा काम करती हैं। इससे जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अच्छे से बनता है और खाने का पाचन अच्छे से होता है। इसके साथ साथ जो आपका काला नमक है दोस्तों, ये आपके पेट में गैस नहीं बनने देता है। अगर आपके पेट में गैस ज़्यादा बनती है तो इसका मतलब ये है कि आपका पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये जो है आपके गैस नहीं बनने देता है। गैस नहीं बनेगी तो पाचन ठीक से होगा, साथ ही साथ आपका मल कठोर नहीं होगा और फिर जो है आपको और बहुत सारे जो है रोग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसमें मैंने काले नमक को जो है ऐड किया है। दोस्तों अभी आपको करना ये होता है, इन तीनों इन्ग्रीडियंट को जो है बराबर बराबर मात्रा में लेना होता है। मान लीजिए आप 50 ग्राम जो है आप अजवाइन ले रहे हैं, तो 50 ग्राम ही आपको काली मिर्च लेनी है, 50 ग्राम ही जो है आपको काला नमक लेना होता है। दोस्तों अजवाइन का भी पाउडर लेना है, आपको काली मिर्च का भी पाउडर लेना है, आपको काले नमक का भी पाउडर आता है। तीनों को जो है अच्छी मात्रा में मिला लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको सुबह और शाम 1 से 2 ग्राम इसका जो है आपको सेवन करना होता है हल्के गुनगुने पानी के साथ। पानी जो है गुनगुना होना चाहिए, पानी जो है आप ऐसा नहीं है ठंडा पानी लें, उससे आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। पानी आपका गुनगुना होना चाहिए और आप सुबह से शाम 1 से 2 ग्राम इसका सेवन करिए, आपको डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये नुस्खा जो है आपके पाचन से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसको ख़त्म करता है, साथ ही साथ अगर आपका मलद्वार का भी कोई रोग है तो वो भी जो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पाचन अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो आपका मल कठोर नहीं होगा, आपका मल जो है एकदम सॉफ्ट आएगा, जिससे जो है आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये नुस्खा आप ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद मुझे बताइए कि आपको इसका कितना फ़ायदा मिला है। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।